सो हेलो, आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट इसी वीडियो का और देखते हैं इसको कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो लेट्स सी। ओके ठीक है, हाँ तो आगे देखते हैं। देखो, पिछली वीडियो में मैंने आपको करवा दिया था डिफरेंट टाइप ऑफ क्या मैंने आपको करवा दिया थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल करवा दिया था, है ना। और उसके बाद में आगे स्टार्ट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है, इट्स एप्लीकेशंस। जो लाइन मैं लिख रहा हूँ वो आपको आई होप विजिबल होगी। ठीक है, अभी पक्का विजिबल है, काफ़ी नीचे लिखिए तो पक्का विजिबल है। आगे देखते हैं इसको करते हैं। अब सुनो, अगर सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस होता है कोई भी, मतलब कोई भी काम आप करते हो, है ना। काम से यहाँ मतलब है कि देखो, थर्मोडायनेमिक्स में एक ही काम है आपको, आपको कोई गैस लेनी है, उस गैस को दबाव देके या तो कम करना है उसको, या उसको उसका वॉल्यूम बढ़ा दो, उसको फैलाना है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर कभी आप एक चीज़ सुनो, जब कहीं पे एलपीजी का सिलेंडर वगैरह फटता है, कोई कामिटी होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो आप वहाँ पे देखोगे वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा, आग लग जाती है और टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है ना। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब भी किसी गैस के वॉल्यूम को अचानक से बढ़ाया जाता है तो वो जो प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा हीट है वो निकलती है, और एक टाइप से मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका जो प्रोसेस है उसमें बहुत ज़्यादा थर्मल इन्वॉल्वमेंट है, यानी टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, कई प्रोसेस ऐसी है जिनमें टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। जैसे आप एकदम बढ़िया एसी के नीचे बैठ के कोई काम करो, क्या टेम्परेचर चेंज होगा? नहीं होगा। कई कई चीज़ें ऐसी है जिनमें वॉल्यूम चेंज होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एक काम करते हैं हम, एक प्रोसेस करते हैं, एक गुब्बारा लेते हैं, उसके अंदर गैस भर देते हैं और गैस भर के उसको धूप के अंदर रख देते हैं। आपने ये करके भी देखा होगा, धूप के अंदर अगर गुब्बारे को रखते हैं तो वो फूट जाता है। ठीक है, बट आप गुब्बारे को पूरा मत फुलाओ, आप थोड़ा सा फुला के रखो, आप देखोगे धूप में रखने से वो खूब बड़ा फूल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब भी कोई चीज़ को धूप में रखते हैं तो धूप में रखने से वो चीज़ है वो फैलती है। ठीक है, मतलब गैस है, दुनिया की कोई चीज़ है उसको अगर आप गर्म करोगे ना तो वो फैलेगी, थोड़ा कई थोड़ा कई ज़्यादा। जैसे दूध है वो काफ़ी ज़्यादा फैलता है उसको अगर गर्म करते हो तो। ठीक है, उसमें उफान आता है, उसमें फ्यूम्स आ जाते हैं, है ना। और अगर पानी है उसमें आपको ऊपर ऐसे पानी थोड़ा उछलता हुआ दिखाई देगा, बट ज़्यादा नहीं दिखाई देगा आपको, ऐसा नहीं लगेगा कि पानी उबल रहा है या ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ आपको नहीं लगेगा। और अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर हाँ, और एग्जांपल भी मैं आपको क्या दे सकता हूं, मतलब बोट टाइप की प्रोसेस होती है। ठीक है, अब देखो जो गुब्बारे वाली प्रोसेस है उसमें बाहर जिस टेम्परेचर में आपने रख दिया वो टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट है, भी धूप में आपने रख दिया, धूप में अगर कोई चीज़ पड़ी है तो उसका वो एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर है, तो वॉल्यूम लगातार गुब्बारे का क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम तो कांस्टेंट है बट टेम्परेचर तो कांस्टेंट है बट वॉल्यूम बढ़ रहा घट रहा है। ठीक है, कई कई प्रोसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा आजकल थर्मस आते हैं जिनके अंदर चाय है वो 3-4 घंटे गर्म रह जाती है, तो उनमें है क्या? उसमें टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, यानी वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर है वो क्या रहता है? कॉन्स्टेंट। तो दुनिया में बहुत सारी प्रोसेस है। ठीक है, बहुत सारी प्रोसेस है, किसी में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, किसी में कुछ कॉन्स्टेंट होता है, किसी में कुछ कॉन्स्टेंट होता है, हम सबको पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है, तभी मैंने हेडिंग लिखी थी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस एंड जो भी आपने देखा। तो सबसे पहले मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ जिसको बोलते हैं आइसोपोरिक प्रोसेस। तो हेडिंग आपकी क्या है? आपकी हेडिंग है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस, और उसमें जो H1 है वो है आइसोकोरिक प्रोसेस। इसको पढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर।
आइसोपोरिक प्रोसेस, ठीक है। देखो आइसोपोरिक, कोर एक वर्ड है जिसका मीन होता है स्पेस, ग्रीक वर्ड है, ठीक है, इसका मीन होता है स्पेस, जगह, ठीक है। आइसो का मीन होता है कांस्टेंट, यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर अगर स्पेस कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, उसको क्या बोलेंगे, आइसोपोरिक प्रोसेस। तो ए प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ऑफ द कंटेनर और गैस इज कांस्टेंट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, आइसोपोरिक प्रोसेस, ठीक है। हाँ ठीक है भाई, हो गया ये तो। अब इसके बारे में और कुछ मैं आपको बता सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, कि जब भी ये प्रोसेस करते हैं तो वॉल्यूम क्या बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है ना। और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट बना रहता है तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, डीवी कितना, ज़ीरो। और अगर डीवी ज़ीरो तो इसको दोनों तरफ पी से गुणा कर दो, पी डीवी भी ज़ीरो, ठीक है। और अगर पी डीवी ज़ीरो तो इसका मतलब वर्क डन है वो कितना, ज़ीरो। तो देखो अगर आप कोई प्रोसेस कर रहे हो, ठीक है, और उस प्रोसेस के अंदर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो आपके आपने जो भी वर्क डन किया उस प्रोसेस को करने में वो आपका नहीं गिना जाएगा, वो कितना माना जाएगा, ज़ीरो। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, ये दीवार है, ये बोर्ड है, ये दीवार है, इसको मैं यहाँ से प्रेस करता हूँ, कोई उधर से प्रेस करे, क्या ये बिल्कुल छोटी हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, नहीं होगी ना। तो फिर हमने जो इतनी देर तक जोर लगाया, जो वर्क डन किया, वो क्या बन गया, कोई काम नहीं आया, वो वर्क डन गिना ही नहीं जाएगा। क्योंकि वर्क डन तभी गिना जाता है जब वॉल्यूम में डिस्प्लेसमेंट हो, वॉल्यूम बढ़े घटे बदले, डिस्प्लेसमेंट बदले घटे बढ़े, है ना। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वॉल्यूम कितना, डीडब्ल्यू कितना होगा, ज़ीरो होगा। अच्छा, हमने थर्मोडाइनमिक्स के रूल में क्या पढ़ा है, हमने थर्मोडाइनमिक्स के रूल में पढ़ा है कि आपका जो क्यू होता है वो होता है कितना, डेल्टा यू प्लस में डब्ल्यू। और अगर आप प्रोसेस आइसोपोरिक कर रहे हो, अगर आप जो प्रोसेस है वो आइसोपोरिक कर रहे हो, तो उसमें जो आपका डी डब्ल्यू है, डब्ल्यू वो कितना होगा, ज़ीरो। तो आप सारी जितनी जोर लगाओगे अपना, जितनी हीट दोगे, जैसे मान लो ये दीवार है, इस दीवार को आप दो दिन तक गर्म करो, है ना, और इस दीवार में कुछ बढ़ेगा घटेगा कुछ नहीं, तो फिर आपने जो पूरी हीट दी वो, ये हीट वो दीवार खा गई इंटरनल एनर्जी में, ठीक है। और वर्क कुछ होता नहीं है, क्योंकि वर्क ही होता तो फिर दिखाई देता ना, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ, आइसोपोरिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है, उसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। और आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होने के कारण डीवी ज़ीरो होता है, डीवी ज़ीरो होने के कारण पीडीवी ज़ीरो होता है, डीडब्ल्यू आपका ज़ीरो होगा, और क्यू है वो सारा का सारा किस में जाएगा, डेल्टा यू में। इतनी बात है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। कई कई बार एक चीज़ पूछते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए पी और वी में कर्व खींचो, तो मैं आप वो आपको कर्व और खींच के बता देता हूँ। भाई एक मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ, मैं यहाँ एक ग्राफ बना रहा हूँ और मैं देख लेता हूँ ग्राफ है वो कैमरा में विजिएबल है क्या, अगर है तो फिर मैं करवा देता हूँ, अगर नहीं है तो फिर बोर्ड मेरे को मिटाना पड़ेगा। मैं तीन ग्राफ बना लेता हूँ और फिर मैं आपको बता दूँगा, पी वी, चलो एक में बता दूँगा, पी वी, वी टी, टी वी नहीं, पीटी, ओके, तीनों ग्राफ विजिबल है। देखो सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर, आप चाहे कितना ही प्रेशर लगा लो, वॉल्यूम क्या बना रहेगा, कांस्टेंट। मान लो उस जो आपका कंटेनर है उसका वॉल्यूम है दो, ठीक है, तो वो हमेशा दो ही बना रहेगा, चाहे प्रेशर आप लाख कर दो, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका बन गया, ये ग्राफ बन गया किसका, आइसोकोरिक प्रोसेस का।
अगर आपको बोल दे कि आइसोकोरिक प्रोसेस का वी टी कर्व बनाओ, तो भाई वी तो कांस्टेंट है, इतना तो क्लियर है, चाहे टी कुछ भी हो तो बस वी को कांस्टेंट कर दो। अगर आपको बोल दे कि पी टी कर्व बनाओ किसका, आइसोकोरिक प्रोसेस का, तो देखो वी कांस्टेंट रहना चाहिए। अब वी कांस्टेंट रहने का मतलब यहाँ ये हुआ कि यहाँ तो वी है ही नहीं। अगर यहाँ वी नहीं है तो आप एक ऐसी लाइन खींच दो, इस लाइन पे आप कहीं भी थीटा निकालोगे तो वो इक्वल आएगा, ठीक है, स्लोप इक्वल आएगी। तो फिर ये जो लाइन है ये वी को दिखाती है और ये आपका तीनों कर्व में बन जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस के। ठीक, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पूछ क्या सकता है, आइसोकोरिक प्रोसेस पूछ सकता है, उसकी डेफिनेशन पूछ सकता है, आइसोकोरिक प्रोसेस में किया गया वर्क डन पूछ सकता है, आइसोकोरिक प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी हीट का रिलेशन पूछ सकता है, आइसोकोरिक प्रोसेस के अंदर तीनों के तीनों ग्राफ पूछ सकता है, और तो और कुछ नहीं पूछ सकता, एग्जाम्पल नहीं पूछेगा। एग्जाम्पल पूछे तो दीवार वाला एग्जाम्पल देके आ जाना, नोटबुक हम ही चेक करेंगे, ठीक है, बाय।